नमस्कार, सीएनबीसी आवाज के खास शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अनिल सिंघवी। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। जी हाँ, 125 करोड़ आबादी वाले पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही टैक्स, और ये एक ऐसी दवा है जो शुरुआती दौर में भले ही कड़वी लग रही है, लेकिन आगे ये इकोनॉमी और बाजार को सेहतमंद बना सकती है, और साथ ही इसमें होने वाले बदलाव कंपनियों को आगे और फायदा पहुंचा सकते हैं। मतलब बाजार ने अभी जीएसटी के दम पर सिर्फ तेजी का ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। इस खास शो में आपको ऐसे शेयरों के बारे में बताएंगे जिनको आगे भी जीएसटी से अच्छा खासा फायदा होने वाला है। लेकिन अब भी जीएसटी का ट्रिगर इतना बड़ा क्यों है, इतना दमदार क्यों है, इसकी वजह बता दें। आप और हम ही सिर्फ जीएसटी के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, बाजार के बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, एफआईज इन्वेस्टर हैं, हिंदुस्तान के बाहर बैठने वाले लोग भी जो है वो जीएसटी के मुद्दे को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, और वो ये मानते हैं कि ये जो दरों में बदलाव हो रहा है ये तो शुरुआती चीजें हैं, लंबी और बड़ी तेजी जीएसटी की वजह से अभी बनना बाकी है। तो सुनते हैं इस शो को बनाने के पीछे हमने जो वजह चुनी वो थी समीर अरोड़ा साहब की राय, हेलियस कैपिटल के, जिन्होंने हमें क्या बताया ये सुनिए। हम पहले राउंड पे बात कर रहे हैं कि आपका रेट जीएसटी का 20 था वो 18 हो गया कि 22 था वो 20 हो गया, वो एक बात है। सेकेंड है कि आपको जो इनपुट कॉस्ट में जीएसटी का कोई बेनिफिट मिला वो अभी आ रहा है, शुरू होगा। और थर्ड है कि ओवरऑल विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जो बिगर पिक्चर बेनिफिट्स होने हैं। तो समीर अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि ये स्टेज वन है, स्टेज टू, स्टेज थ्री। अगर स्टेज वन में हम लाइफ टाइम हाई पर, स्टेज टू और थ्री पर तो क्या क्या होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने आज क्या किया है, हमने आज आपके लिए 8 ऐसे सेक्टर्स चुने हैं जहां पर जीएसटी से अभी भी फायदा होने वाला है, और उन 8 सेक्टर्स में से हमने आपके लिए चुनी है 8 बेहतरीन पिक्स, हर एक सेक्टर से एक एक शेयर। और ये सारे के सारे शेयर सीएनबीसी आवाज की टीम ने पूरी तरह से रिसर्च करके, कंपनियों को समझ के, कंपनियों के कारोबार को समझ के, जीएसटी से किस तरह से इनको फायदा हो सकता है, इन सबको समझ के आपके लिए चुना है। इन शेयरों पर आप कोई भी एक राय बनाए, उससे पहले एक बात बता दूं, ये शेयर जीएसटी पूरी तरह से लागू होने के बाद जो फायदा दिखाएंगे वो लॉन्ग टर्म में होगा, 2 साल 3 साल 5 साल। तो मेरी पूरी टीम मेरे साथ है जिनमें हम 8 शेयर बताने वाले, एक तो मैं खुद बताऊंगा लेकिन मेरे अलावा हर्षता है, और साथ ही हेमंत, नेहा और देवांशी, वरुण और सोनम, हम सब मिलकर बताने वाले, और आशीष भी है जो बताने वाले आपको ऐसे बेहतरीन शेयर। तो सबसे पहले पहला सेक्टर चुनते हैं और शुरुआत हेमंत आपके साथ करते हैं, बताइए कौन सा सेक्टर है और कौन सा शेयर। देखिए, सिनेट्री की कंपनियां जो है, टाइल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनियां जो है, उनको जबरदस्त फायदा होने वाला है इस जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से होने के बाद। जो भी त्रुटियां हैं इस समय जो दिख रही हैं वो सुलझने के बाद, अब देखिए 28% की जीएसटी की रेट में कई चीजों को रखा गया है, और उनमें से कई चीजें इस रेट से स्लैब से हटाकर 18% में शिफ्ट होने वाली हैं आगे आने वाले दिनों में। और मुझे जो कंपनी सबसे अच्छी लगती है वो है कजारिया सिरेमिक्स, और वो इसलिए क्योंकि देखिए टाइल सेक्टर पर और सिनेटरी वेयर पर जो ड्यूटीज हैं वो आगे चलकर तो देखिए कम होंगी ही होंगी, और ये वो ऐसा सेक्टर है जिसको इस बात का भी फायदा मिलेगा कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो बाजार में हैं उनके लिए आगे चलकर काम करना मुश्किल होगा, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ये चीजें आसान होंगी। और जिस इनपुट क्रेडिट की बात अभी अभी समीर अरोड़ा साहब कर रहे थे, उससे भी इस तरह की कंपनियों को जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि इनपुट के काफी सारे मटेरियल जाते हैं जो कि टाइल में, सैनिटरी वेयर्स में बनते हैं। तो कजारिया सिरेमिक्स लीडर है, हमने देखा है गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की भी नजर इस स्टॉक पर पड़ी कुछ ही दिन पहले जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद। अगस्त में ही गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि उनको ये शेयर इस सेक्टर में सबसे बढ़िया पिक लगती है, और 850 का टारगेट इसके लिए सुझाया है। तो लगातार पैसा बनाकर ये शेयर दे रहा है और आगे भी देने का दमखम रखता है, इसलिए कजारिया सिरेमिक्स ये वो स्टॉक है जिसको मैंने चुना आज। तो मोरबी के कई सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स ऐसे थे जो ऑर्गेनाइज और ब्रांडेड प्लेयर को बड़ी टक्कर देते थे टैक्स बचाकर, अब वो फायदा उनके हाथ से जाता दिखेगा। और अगर आपको समझिए 80 रुपए में, 90 रुपए में कोई और टाइल मिले, 100 रुपए में कजारिया की मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि आप ब्रांडेड टाइल्स की तरफ रुख करेंगे। तो ये कंपनियां
और मजबूत और बड़ी होने वाली। तो कजारिया सेरामिक्स है वो पहला शेयर जो आपको रखना चाहिए, और ये शेयर भी और ये पूरा सेक्टर भी आपको रडार पर रखना चाहिए, ताकि इस सेक्टर से जुड़ी और भी बेहतरीन कंपनियां आप चुन चुके हैं। लेकिन एक और सेक्टर है जिसे साफ तौर पर फायदा होने वाला है, वो दिग्गज सेक्टर है, उसमें दिग्गज शेयर है, क्वालिटी शेयर है, ब्रांडेड शेयर है, और ये बता रहे हैं वरुण। देखिए अनिल जी, मेरा जो फोकस है वो पूरे तरह से कंजम्पशन सेक्टर पे, क्योंकि भारत की कंजम्पशन स्टोरी पे मुझे पूरा भरोसा है। इनफैक्ट आप ब्रोकरेजर्स की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे तो उनको भी भारत की कंजम्पशन स्टोरी पे पूरा भरोसा है। इनफैक्ट मैं एसोचैम की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका कहना है कि अगले 3 साल में जो भारत के FMCG कारोबार है उसकी ग्रोथ जो है वो 20% CAGR से होगी। और हमें जब भी हम देखते हैं FMCG कारोबार को, तो हमें सिटीज में तो दिखाई देता है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स ही है, सबके तरफ ब्रांडेड प्लेयर्स ही है, लेकिन आप कभी भी हिंटरलैंड्स में जाए, रूरल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाए, तो वहां आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा अनऑर्गेनाइज प्ले यहां पे चल रहा है। और अब जब GST का यहां पे इम्प्लीमेंटेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो आ जाएगी, और इसके लिए जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उनको यहाँ सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में एक कंपनी जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है वो है HUL। अब आप कहेंगे ये तो दिग्गज कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स तो सब जगह बिकते हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है कि इसके प्रोडक्ट सब जगह बिकते हैं। अब तक जब HUL ने भारत में एंट्री की है, अगर आप देखें तो हर 10 में से 8 आदमी HUL के प्रोडक्ट्स यूज करता है। और अगर आगे जाके अपॉर्चुनिटीज खुलेगी जिस तरह से अनऑर्गेनाइज प्ले की, तो HUL को इसका सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। और HUL दरअसल उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा है, उनके रीच ऐसे है, उनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं भारत के हर आदमी को टच करेगा। और इसके लिए HUL पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। इनपुट कॉस्ट क्रेडिट का जो फायदा है वो तो इस कंपनी के आपने नतीजों में अभी देखा ही था, जहां इस कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है उसमें काफी बेहतरीन बढ़ोतरी हुई थी। तो आगे भी इस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है, और मार्केट शेयर तो डेफिनेटली ये कंपनी गेन करेगी। हालांकि काफी स्टॉक चल जरूर चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इतना बड़ा भारत है और कंजम्पशन की स्टोरी जो है भारत में वो इंटैक्ट है, और HUL इसका फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनफैक्ट मैं तो इस कंपनी के मैनेजमेंट से भी मिलते रहता हूँ, भले वो संजीव मेहता जी हो या मनवानी जी हो, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे पूरे तरह से कॉन्फिडेंस दिलाता है कि ये कंपनी आगे जाके और बेहतर करेगी। HUL नाम ही काफी है इसका, और जब वरुण कह रहे हैं तो फिर बात ही अलग है। तो वरुण का कॉन्फिडेंस पूरा है कि GST के बाद FMCG सेक्टर कंजम्पशन स्टॉक्स पर जबरदस्त एक्शन होगा, जबरदस्त तेजी बनेगी, और अगर आप सेफ और बेस्ट चुनना चाहें तो फिर वो होगा लीवर HUL। और बाकी इस सेक्टर में और बेहतरीन कई सारी पिक्स हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर भी आप नजर डाल सकते हैं। लेकिन एक और सेक्टर है जिसे साफ तौर पर फायदा होगा, जिसमें तो बातें कही भी जा रही कि रेट्स घटनी तय है, और वो सेक्टर और वो स्टॉक है हर्षदा के पास, बताइए। अनिल, एक तो कंजम्पशन स्टोरी तो डेफिनेटली है जैसे वरुण भी पहले कह रहे थे, लेकिन कंज्यूमर अप्लायंसेस यहाँ पर बड़े पैमाने पर काफी ज्यादा एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। और मेरे रेडार पर एक होम ग्रोन एंटिटी है, भारत बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जाना माना पेरेंटेज है इसका। और खास बात यही है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए कि एक तो EPC का कारोबार है, दूसरा कंज्यूमर अप्लायंसेस का कारोबार। अब क्या क्या बनाते हैं, फैन, स्विचेस, कूलर्स, हीटर्स, स्टोव, ये सब बनाने के कारोबार में कंपनी है। और जब से GST लागू हुआ है हमने एक चीज देखा है, असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ काफी कॉन्शियस शिफ्ट बढ़ा है। अब आगे जाकर GST के दरों में और रैशनलाइजेशन आएगा और दरें कम होती हुई दिखाई देंगी, तो कॉन्शियसली अब कमाई भी बढ़ती हुई दिखाई देगी बजाज इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनियों की। देखिए ये देश का सबसे जाना माना कंज्यूमर ब्रांड है, और खास बात यही है कि कंपनी ने अब अपना रिटेल प्रेजेंस बढ़ाने पर फोकस किया जो पिछले सालों में कंपनी नहीं कर पाई थी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह दिया है कि मार्च 2018 तक कंपनी के रेवेन्यूज 5,000 करोड़ से ज्यादा के रहेंगे। और ज्यादा कमाई कहां से आएगी, इनके कंज्यूमर बिजनेस से ही, क्योंकि वहीं पर ये अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं और डीपन कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, फैन सेगमेंट में ये कंपनी माहिर है, क्योंकि आजकल उषा के पंखों के साथ साथ बजाज के पंखे भी काफी लगते हैं घरों में। और फैंस का जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो 9,000 करोड़ का है, जहां पर ऑर्गेनाइज मार्केट 6,000 करोड़ का है, यानी कि इस 6,000 करोड़ के मार्केट में अब और भी कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग उन अनऑर्गेनाइज प्लेयर से माल खरीद रहे थे वो बजाज जैसी कंपनियों की तरफ बढ़ेंगे, तो उसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। जाहिर तौर पर स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही एक और एडिशनल एडवांटेज जिसके EPC बिजनेस में ये है कि सरकार ने जो सौभाग्य की स्कीम लॉन्च की है उससे भी इनके ऑर्डर फ्लोज बेहतर होने की पूरी पूरी गारंटी है। तो GST एक तरफ और ऑफ कोर्स सरकारी स्कीम्स दूसरी तरफ, ये मिलकर स्टॉक में पूरा दमखम जरूर दिखाएंगी। तो
पोर्टफोलियो को रखना हो कूल तो बजाज के पंखे, और उन्हें खरीदने के बजाय आप बजाज इलेक्ट्रिकल्स का शेयर खरीद सकते हैं जिन्हें जीएसटी से होगा बड़ा फायदा। और बाकी इसके अलावा भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और दूसरे जो सामान बनाने का काम करते हैं जिसे आप हर रोज घर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये है वो स्टॉक जो जीएसटी के दम पर आपको दिखाएगा अच्छी तेजी। तो तीन स्टॉक आपको मिले, लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद अभी और ढेर सारी पिक्स आपके लिए है, हमारे सारे साथी तैयार है आपको बताने के लिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। जीएसटी पिक्चर अभी बाकी है, यहाँ जीएसटी के दम पर कमाई करने वाले अभी ढेर सारे सेक्टर्स, ढेर सारे शेयर्स हैं जो हम आज आपको बता रहे हैं इस खास शो में। तीन स्टॉक हमने बताए, कजारिया सेरामिक, एचयूएल और साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स, एक और सेक्टर और एक और स्टॉक। इसी क्रम में सोनम हमारे साथ है, सोनम आपने कौन सा चुना है बताइए। अनिल जी, जब से जीएसटी की बात हो रही है तब से इस सेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि इनको ये कोई टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, इनको ऑल राउंड बेनिफिट होता है, बल्कि की बेनिफिशरीज है जीएसटी के, और वो है लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक सेक्टर को काफी फायदा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का वो काफी सारे अलग अलग स्टेट्स में होता है, और इसलिए इन लोग को स्टेट टैक्स भरना पड़ता है या फिर वैट भरना पड़ता है, तो ये सारे जो टैक्सेस अब हट गए हैं इसका बड़ा फायदा इन कंपनियों को होता है। साथ ही जो अलग अलग स्टेट में एंट्री करते वक्त डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है या फिर टैक्स भरते वक्त काफी दिक्कतें होती है, ऐसे में क्योंकि जीएसटी अब आ गया है तो टाइम काफी बच जाएगा, तो टाइम ज्यादा रहेगा तो ज्यादा फ्लीट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सप्लाई फास्टर होने लगेगा, और सबसे अहम अलग अलग जगहों पे इन कंपनियों को वेयर हाउसेस बनाने पड़ते थे अलग अलग स्टेट्स में स्टेट टैक्स को बचाने के लिए, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा तो काफी बड़ी कॉस्ट सेविंग हो रही है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ कम्पीट करने के लिए अब ये सेक्टर पूरी तरह तैयार हो गया है। तो टैक्स लैब में तो ये सेक्टर नहीं आती है और इसलिए इसका की बेनिफिशरी बनता है, और इसी स्पेस की कंपनी मैंने चुनी है वो है गति। मेरा मानना है कि ये कंपनी एक टॉप लीडर है इस लॉजिस्टिक स्पेस का, बल्कि इसका वाइड रीच है, इसके साथ ही कंपनी के पास वेयरहाउसिंग कैपेसिटी काफी बड़ी है, और सबसे अहम एक प्रेफर्ड लॉजिस्टिक कंपनी है, बल्कि मैं इनका क्लाइंट लिस्ट भी चेक कर रही थी, इसके अंदर टॉप ऑटो कंपनीज आते हैं, टॉप इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज आती है, टॉप फार्मा कंपनीज आ जाती है, बल्कि 75% इनका रेवेन्यू इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से ही आता है, और क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना होता है तो इसलिए रेवेन्यू विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि गति जो एक लीडर है लॉजिस्टिक स्पेस का, जैसे ही जीएसटी ऑन ग्राउंड लागू होता हुआ दिखाई देगा, ऑन ग्राउंड चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, तो इस सेक्टर का एक मल्टीपल री रेटिंग हो सकता है और इसका फायदा गति को मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो गति होगा अगला स्टॉक जहां पर रखिए नजर, लेकिन आशीष के पास भी ऐसा ही एक दमदार सेक्टर और दमदार स्टॉक है, जानते हैं, बताइए आशीष। देखिए, वीआईपी इंडस्ट्रीज है मेरे रडार पे, और जैसे जैसे आप लोग जीएसटी की बात कर ही रहे हैं, जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन उसका, जैसे जैसे उसका कंप्लायंस बढ़ेगा, ये जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ बाइंग बढ़ेगी उसका भरपूर फायदा मिलेगा, और शायद स्टॉक मार्केट को इस बात की भनक है, इसीलिए ये स्टॉक लगातार तगड़ा मोमेंटम दिखा रहा है। और ध्यान रखें, आगे अगर जीएसटी की दरें जो स्लैब से वो रिड्यूस होने हैं, तो फिर ये जो प्रक्रिया है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की और तूल पकड़ती हुई नजर आएगी, प्रोडक्ट की कीमतें गिरेंगी तो डिमांड और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है ये कंपनी। ये कंपनी लगेज, जिसमें हार्ड और सॉफ्ट लगेज बनाने का काम करती है, 50% का मार्केट शेयर है भारतीय ऑर्गेनाइज लगेज इंडस्ट्री का, 10,000 से ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल्स हैं इस कंपनी के पास, इस तरह की पकड़ है, और बिगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तमाम डिफरेंट कैटेगरीज को कैटर करने के लिए इसके पास प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें प्रीमियम से लेकर जो हम कहते हैं अफोर्डेबल, सारी स्पेसेस में ये कंपनी मौजूद है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो इस कंपनी के पोर्टफोलियो में एरिस्टोक्रैट और अल्फा जैसे ब्रांड्स हैं, जिसे हम कहते हैं वैल्यू ब्रांड्स, ये आसानी से अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कम्पीट करते हुए नजर आएंगे। और जो जीएसटी की हम बात कर रहे हैं, नोटबंदी की हम बात कर रहे हैं, उससे बड़ा स्मार्टली कंपनी उभरती हुई ऑलरेडी नजर आ रही है। इसीलिए लास्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आए, ग्रोथ में 21% का उछाल था जो रेवेन्यूज में, और मार्जिन 230 बेसिस पॉइंट सुधरते हुए नजर आए। अब दरें घटी तो और फायदा होने वाला है, तो फिर जो टैक्स रिड्यूस होने हैं, जो बेहद स्ट्रॉन्ग ट्रैवल इंडस्ट्री नजर आती है, और जो पेनिट्रेशन बड़ा कम है लगेज इंडस्ट्री का, जो ब्रांडेड लगेज इंडस्ट्री का, इन सबका फायदा वीआईपी को इवेंचुअली मिलेगा, और ये ग्रोथ लाइकली है कि कंटिन्यू होगी आसानी से। तो अगर आप बनना चाहते हैं वीआईपी, यानी कि वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो वीआईपी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन एक और ऐसा ही दमदार स्टॉक है नेहा के पास भी। नेहा, आपका सेक्टर और स्टॉक बताइए।
एक कलरफुल स्टॉक आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो को खास तौर से जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद और रंगीन बना सकता है। मैं बात कर रही हूँ पेंट सेक्टर की और इसमें एक जाना माना नाम है जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, वो है एशियन पेंट्स। काफी पुरानी कंपनी, हम बचपन से ही देखते आए हैं कि एक छोटा सा बच्चा है पेंट का ब्रश और डब्बा लेके आके आपके स्क्रीन को, टेलीविजन सेट को पेंट करता हुआ नजर आता था। तो खैर ये तो बात हो गई ब्रांड रिकॉल की, लेकिन जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद इनके लिए गेम चेंजिंग एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट से अब डिमांड और रुझान है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ, ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाएगा। ये इंडस्ट्री का पूरा साइज 40,000 करोड़ का है और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद खासतौर से अब शहरीकरण की तरफ आप देखें तो यहाँ पर लोगों की यहाँ पर स्पेंडिंग वैल्यू बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ एस्पिरेशन वैल्यू भी बढ़ गई है। अब जबकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल रही है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के सामने, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग एक अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे जो पहले इनके लिए महंगा पड़ता था। पहले ये डिस्टेंपर से पुताई कर लेते थे, चूना पोत लेते थे, लेकिन अब क्योंकि उनके पास एक ऐसा ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी अच्छी है और साथ ही डेकोरेटिव बिजनेस है जिसमें आप स्पेसिफिकली अपने घर को सजा सकते हैं अपने डिजाइन के मुताबिक, तो ये वाला एक लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिलेगा। इसके अलावा इनके जो दूसरे तिमाही के नंबर्स हैं वो काफी अच्छे रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ में यहाँ पर काफी बेहतरीन रहा है। कंसोलिडेटेड सेल्स के नंबर YOY 15% बड़े हैं जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर रहे हैं, तो उस लिहाज से ये मेरी तरफ से एक टॉप पिक है और इसे जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो में शामिल करें इन स्टॉक्स को भी, गति, VIP और एशियन पेंट्स। ब्रेक का वक्त और ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे दो और ऐसे ही दमदार आइडिया। जीएसटी पिक्चर अभी बाकी है और बाकी तो है ही, जब जीएसटी के दम पर कई सारे स्टॉक्स आपको अभी भी अच्छा खासा रिटर्न देने की ताकत रखते हैं। 6 स्टॉक हमने बताया और 7वां स्टॉक बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है देवांशी। देवांशी बताइए कौन सा स्टॉक है, कौन सा सेक्टर है आपके पास? बिल्कुल, जो प्लाईवुड और साथ ही जो लैमिनेट्स का जो बिजनेस है वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। जिस तरह से हम सबने बात कही कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर ज्यादा यहाँ से बढ़ सकता है जीएसटी पूरी तरह जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद, तो ये भी एक बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट होता हुआ ऑलरेडी नजर आ रहा है जिस तरह से मैनेजमेंट कह रहा है। मैं आपको बता दूं सेंचुरी प्लाई ये हमारी कंपनी है जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर यहाँ पे है उनका, ऑलमोस्ट 25% जो मार्केट शेयर है वो ओवरऑल मार्केट में इस कंपनी का है। और इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की बात करें तो लगभग 15% जो शेयर है वो इस कंपनी का यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में से है। तो जब भी हम देखेंगे कि पूरी तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ऑलरेडी शिफ्ट हमें दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो शिफ्ट है वो आने वाले टाइम में हमें दिखेगा इस कंपनीज में। और जैसे कि आपको कहा कि जाना माना नाम है यहाँ पे सेंचुरी प्लाई, लैमिनेट्स, प्लाईवुड, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो इस सेगमेंट से आते हुए दिखे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं यही नहीं, कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान से आने वाले टाइम में वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। पंजाब में अभी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, एक बड़ा प्लांट यहाँ पे लगा रही है और इसका भी जो इसका जो बेनिफिट है वो हमें आने वाले टाइम में जरूर दिखेगा। तो जिस तरह से आपको कहा कि ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस साउंड करती आई है कि आने वाले क्वार्टर्स में सप्लाई चेन सुधरती दिखेगी, टॉप लाइन बहुत ज्यादा सुधरता दिखेगा, तो तगड़ा एक शिफ्ट हमें इस सेगमेंट में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अनिल जी, जिस तरह से हम सबने बताया कि बहुत ज्यादा शिफ्ट हमें जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से दिखेगा, सबसे ज्यादा जो हीरो कंपनी है आपके पास कौन सी? अरे नहीं, सारी कंपनी अपने अपने सेक्टर की हीरो है, लेकिन मैंने जिस सेक्टर में चुना है उसमें ये स्टॉक जरूर हीरो है और वो है अरविंद लिमिटेड, जो मुझे बेहद पसंद है और मुझे लगता है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी जीएसटी का लागू होना काफी फायदे की बात होगी। हालांकि 5% जो ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल कंपनियों पर जीएसटी लगाया गया उससे झटका तो लगा था, लेकिन झटके से कंपनी उबर चुकी है और जाहिर सी बात है कि जब ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बढ़ेगा तो अरविंद से बढ़िया क्या है। अरविंद के पास वो सारी ब्रांड्स है जो आप अपने वार्डरोब में रखना चाहते हैं, एरो, यूएस पोलो, टॉमी हिलफिगर, नॉटिका, ये सारी की सारी वो है। तो अगर आपको वार्डरोब में ये सारी ब्रांड्स चाहिए तो आपके पोर्टफोलियो में भी ये शेयर होना चाहिए। अब तो इस शेयर ने अपने पूरी डीमर्जर की स्कीम भी सामने रख दी, अरविंद फैशन, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ये तीनों बिजनेस अलग अलग हो रहे हैं और ब्रांड बिजनेस में जो जबरदस्त वैल्यू है वो अब आपके सामने आ जाएगी और जाहिर सी बात है कि इसका फायदा
उन सभी इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो अब धीमे धीमे ये होगा कि ये सेक्टर जो सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आप किसी डाइंग और प्रोसेसिंग हाउस में जाए तो 500 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं, तो अब उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो जीएसटी की क्रेडिट लिए बगैर किसी तरह का कोई काम करें। तो अब धीरे धीरे उन्हें पूरे टैक्स के दायरे में आना पड़ेगा, और जब तक वो टैक्स के दायरे में आएंगे तब तक अरविंद जैसे प्लेयर बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये वो स्टॉक है जिसे आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। तो जीएसटी के दम पर आपने देखा किस तरह से 8 बेहतरीन सेक्टर और शेयर हमारी पूरी टीम ने आपके लिए चुने पूरी रिसर्च करने के बाद। लेकिन ये क्योंकि जीएसटी लागू हो चुका है 1 जुलाई से, अब भी बदलाव चल रहे हैं, लंबा समय है, तो इन शेयरों में आप निवेश करने के पहले अपने एडवाइजर से राय जरूर ले लें, और अगर करें तो फिर लंबे समय के लिए करें, ये ध्यान में रखें। तो जीएसटी पिक्चर अभी बाकी है, और इस पिक्चर का फायदा उठाने के लिए इन तमाम सेक्टर्स और शेयरों पे आपको करना चाहिए फोकस। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।